हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनरिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ब्लू हेवन के कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। ये उनके न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं और ये मैंने अपने नायका हॉल में भी आपको दिखाया है और मैंने कहा था कि मैं आपको इसका रिव्यू डेफिनेटली दूंगी। अगर आपने मेरा नायका हॉल नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप वहाँ से मेरा नायका हॉल देख सकते हैं। सो ब्लू हेवन ने काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। आई शेडो लॉन्च की है अपनी और आईब्रो डिफाइनर लॉन्च किया है। सो पहले बात कर लेते हैं आई शेडो की। ये उन्होंने ब्लू हेवन ब्लिंग मैट मेटेलिक आई शेडो पैलेट लॉन्च करी है। मिक्स ऑफ 12 कलर्स हैं और इसके अंदर टोटल आई थिंक 6 वेरियंट्स आते हैं, 6 या फिर 4। मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कितने वेरिएंट हैं इसमें। यहाँ बैकअप साइड पे मेंशन है इसका प्राइस, ये 250 रुपीज़ की है पैलेट और इसमें टोटल 12 शेड्स हैं। जो वेरिएंट मैंने लिया है, जो शेड नंबर मैंने परचेज़ किया है, वो है गार्डन पैराडाइज। देखिए, आउटर पैकेजिंग की बात करें तो इनकी आउटर पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ब्लैक कलर की पैकेजिंग है और काफ़ी सुंदर लग रही है। और इस तरफ आपको मेंशन किया गया है कि आपको शेड्स को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, यहाँ से आप शेड्स देख सकते हैं इजीली जब आप परचेज़ करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। और यहाँ से ये ओपन होती है और यहाँ से प्रोडक्ट, ये देखिए, ये इनकी आई शेडो पैलेट है। काफ़ी स्लीक है और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इजीली आ जाएगी आपके मेकअप पाउच में और आपकी वैनिटी में। सो टोटल 12 शेड्स हैं, मेटल मेटालिक इस पे मेंशन है। और इसे ओपन करते हैं तो ये एक शीट कवरिंग के लिए है और ये शेड्स हैं इसके। देखने में काफ़ी पिगमेंटेड लग रहे होंगे और शेड्स अच्छे हैं इसमें। जो और वेरियंट्स थे उस टाइप की पैलेट्स मेरे पास ऑलरेडी थी, उस टाइप के शेड्स मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये शेड मंगवाया, गार्डन पैराडाइज। सो मैं वन बाय वन आपको इसके स्वॉच दिखा देती हूँ इन शेड्स के, कि ये कितने पिगमेंटेड हैं। सो इस पे कोई शेड नंबर नहीं मेंशन है, नेम नहीं मेंशन है, सिर्फ आई शेडोज हैं। सो चलिए फर्स्ट शेड पिक करती हूँ, ये देखिए, थोड़े से चौकी हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंट भी नहीं है। नेक्स्ट शेड ये येलो शेड है और ये कुछ पाउडर ब्लू काइंड ऑफ अ शेड था। देन ये मेटेलिक शेड है, इनमें कोई पिगमेंट ही नहीं है। ये फिंगर्स पे तो इजीली पिक हो रहे हैं बट स्वॉच करने पे ये बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं छोड़ रहे हैं, ये देखिए, और बहुत पाउडरी भी हैं, कोई पिगमेंट नहीं आ रही है। नेक्स्ट ये देखिए, ये ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, लाइट पिगमेंटेड हैं, जबकि मैं बहुत हार्ड प्रेस कर रही हूँ स्टिल ये उतना ज़्यादा नहीं पिक कर रहे हैं कलर, और बहुत चौकी भी हैं, ये देखिए। देन शेड लाइट येलो, ये देखिए, ये कुछ मॉविश कलर है, देन ग्रे, ये देखिए बहुत चौकी है, ये तो बहुत ज्यादा ग्रीन, पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम पिगमेंटेशन है। 250 रुपीज़ में इससे भी अच्छी पैलेट्स मार्केट में हैं, 250 से भी कम रेंज में, इसमें तो कोई पिगमेंट ही नहीं है, देखिए, शायद ही आप देख पा रहे हो।
मुझे ये यहाँ ऑफ कैमरा दिख रहे हैं शेड, बट शायद ही आप कैमरा में देख पा रहे हो। और जो लास्ट शेड है वो है ब्राउन शेड, ये देखिए ये ब्राउन शेड। सो ये सारे शेड्स हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, इस आई शेडो के स्वाचेज मैंने आपको दिखाए हैं अपने हैंड पे, पिगमेंटेशन बहुत कम है इनके अंदर और काफ़ी चौकी भी हैं। मतलब फिंगर्स पे तो पिक हो रहे हैं, बट जब मैं इनको स्वॉच कर रही हूँ अपने हैंड पे तो बहुत लाइट पिगमेंटेशन आ रही है। कुछ ही शेड्स हैं जैसे कि ये येलो शेड, ये पिंक बेरी शेड एंड देन ये ब्राउन शेड जो है, यही कुछ शेड्स हैं जो थोड़े से पिगमेंटेड हैं। अदरवाइज दिस पाउडर ब्लू वन, लाइट ग्रीन, लाइट येलोइश कलर, इनमें तो कोई पिगमेंटेशन ही नहीं है, हैंड्स में आ रहे हैं, बट जैसे ही इसको अप्लाई कर रही हूँ नो पिगमेंटेशन। मतलब आई डोंट नो, ब्लू हेवन ने 250 रुपीज़ में आई शेडो लॉन्च किए, 12 आई शेडो पैन्स हैं इसके अंदर, बट पिगमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। सो मुझे तो ये पैलेट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी 250 रुपीज़ में। इवन दो 250 के अंदर भी बहुत अच्छे आई शेडोज़ हैं मार्केट में, चाहे स्विस बीटी की ले लीजिए, मार्स की ले लीजिए, और भी बहुत सारी पैलेट्स हैं, SFR की हैं, वो इस 250 के अंदर आती हैं कुछ पैलेट्स, और बहुत ही पिगमेंटेड और बहुत ही अच्छे से कलर पिक करती हैं। मुझे तो ये अच्छी नहीं लगी, मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर ये आपको सेल में मिलती है 200 रुपीज़ में या 190 रुपीज़ में, देन तो आप इसे बाय कीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस आई शेडो से स्टार्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। सो बिगनर्स में आपको हेल्प कर सकती है, बहुत ज़्यादा पिगमेंट नहीं छोड़ेगी आपकी आईज़ पे। अदरवाइज़ मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी इस आई शेडो को। मुझे कलर्स अच्छे लगे थे देखने में, इसलिए मैंने इसे बाय किया था, बट इसकी पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। और 250 रुपीज़ में ये आई शेडो तो बहुत ही नो है मेरे लिए। अगर ये आपको सेल में मिल रही हो 190-180 रुपीज़ में या 200 रुपीज़ में, तो आप ट्राई करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से तो बिग नो है इसके लिए, मुझे ये अच्छी नहीं लगी। अब बात करते हैं इनके ब्लू हेवन आर्टिस्टो आईब्रो एनहेंसर पेंसिल एंड स्टाइलर। इसमें मेरा शेड है हनी ब्राउन। इसमें इन्होंने मेंशन किया है अप टू 12 आवर्स रहता है, स्मज प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। इसके अंदर आईब्रो कॉम है जिसे हम स्पूली भी बोलते हैं, फॉर प्रिसिशन हेयर लाइन एंड स्ट्रोक्स, और 150 रुपीज़ इसकी MRP है। ये उन्होंने न्यू लॉन्च किया है और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। 0.30 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी है और यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन है कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप की है, ये भी न्यू लॉन्च है, ब्लू हेवन ने न्यू लॉन्च किया है इसे भी। ये मुझे बिल्कुल शुगर की जो आईब्रो डिफाइनर आता है बिल्कुल उसके जैसी पैकेजिंग लग रही है। इस तरफ आपको स्पूली मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी स्पूली है, देखिए, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इस तरफ आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये पेन है और ये शेड है हनी ब्राउन, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है शेड। ये देखिए, अच्छा शेड है और बहुत ज़्यादा पाउडरी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वैक्सी भी नहीं है, जितना एक बैलेंस होना चाहिए आईब्रो पेंसिल के अंदर, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और शेड भी बहुत अच्छा है, मुझे शेड भी बहुत अच्छा लगा और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा आईब्रो पेंसिल इनका। 150 रुपीज़ में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी रीजनेबल है, बिगनर्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ इसके अंदर स्पूली भी है। सो आपका टू इन वन काम करेगा ये, आपको स्पूली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 150 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं ये आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ बिकॉज़ ये काफ़ी पिगमेंटेड है, वाटरप्रूफ है ये, और बहुत जल्दी स्मज भी नहीं होती है। आपको इसे रिमूव करने के लिए या तो फेस वॉश या तो माइसेलर वाटर का ही यूज़ करना होगा। मुझे ये आईब्रो पेंसिल काफ़ी अच्छी लगी ब्लू हेवन की। आई शेडो कुछ खास मुझे पसंद नहीं आई, ये आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।